Subscribe my channel and press the bell icon for never miss an another update. दोस्तों, अगर आप लोग आपके किसी भी एक जमीन या छत के ऊपर एक टावर लगवाना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ठीक है, नहीं देखते हो तो लॉस आपका ही है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि टावर के नाम पर क्या क्या फ्रॉड हो रही है, जो मेरे साथ भी हुआ है। तो मेरे साथ जो हुआ है उसकी फुल प्रूफ और कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों के पास इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को इन तक देखिए, क्योंकि मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में शुरू से लेकर इन तक बताने वाला हूँ मेरे साथ क्या क्या हुआ है और सबके साथ क्या क्या हो रहा है टावर के नाम पर। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिन बातों के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप लोग एक टावर के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन की माध्यम से, फिर सोचते हो कि टावर लग जाएगी मेरी ज़मीन पर, तो ये गलत सोचते हो। क्योंकि सोचिए, अगर आप लोगों की ज़मीन पर आप लोगों के एरिया में कोई टावर लगवाना होता है तो इसके लिए पहले ज़िम्मेदारी कौन उठाएगी? टावर कंपनी, क्योंकि फ़ायदा उसके है। तो टावर कंपनी आप लोगों के पास आएगी कि इधर टावर लगवाना है, आप लोग टावर लगवाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लगवाना चाहते हो तो कोई और ज़मीन देखेगी। पर आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों की अप्लाई से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं। उन लोगों को जिधर टावर लगवाना है उन लोग उधर टावर लगवाएंगे, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। और एक बात, अगर आप लोग आपकी ज़मीन या छत के ऊपर टावर लगवाना चाहते हो तो आप लोगों को ये बात समझना होगा कि आपकी एरिया रेड सर्कल में आता है कि नहीं। रेड सर्कल यानी कि सोचिए कि आपकी एरिया में दो टावर, दो एयरटेल का टावर है, ठीक है, और दो एयरटेल टावर बहुत दूर तक डिस्टेंस है और मिडिल पॉइंट में आप हो, तो उधर टावर बहुत ज़्यादा कम आता है या आता भी नहीं है, तो तब आप लोग रेड सर्कल में हो। तो तब टावर कंपनी क्या करेगा, तब आप लोगों के साथ कांटेक्ट करेगा कि इधर एक टावर लगवाना है, ज़मीन चाहिए, तब जब कोई ज़मीन देगा तो टावर लगवाएगा। पर आप लोगों के अप्लाई करने से कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि अगर आप लोग रेड सर्कल में नहीं हो, आप लोगों की उधर टावर है, तो फिर आप लोगों की ज़मीन पर छत पर टावर लगवा के कंपनी की फ़ायदा क्या, एक बात है। तो मैं अब आप लोगों को कई दिनों से मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक दिन और तीन चार दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जिसका चैनल का नाम था टेक्निकल वायरस और उसका नाम था ऋतुराज सिंह। तो मैं उसकी वीडियो बहुत दिन पहले से ही देख रहा था क्योंकि उसका कंटेंट अच्छा लगता था मुझे। तो एक दिन उसने एक वीडियो डाला टावर इंस्टॉलेशन के लेकर, तो मैं उस वीडियो को देखा। तो उसने बोला कि अभी जियो का इंस्टॉलेशन चल रहा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उधर से अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं लिंक पर गया, उधर अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद क्या होता है वो मैं बाद में बता दूँ, पहले उसके बारे में, उस फ्रॉड की, वो ऋतुराज सिंह फ्रॉड के बारे में बताता हूँ कि वो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, तो मैं देखा था, मैं उस लिंक से अप्लाई भी किया था। पर अभी अगर जाकर देखता हूँ उसको, वीडियो को देखता हूँ, कंटेंट सही है, ठीक है, वो अभी तक प्राइवेट भी नहीं किया, डिलीट भी नहीं किया वीडियो, वो ठीक है। पर आप लोग देखोगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वो लिंक नहीं रहेगा। पर वो वीडियो ने उसने बोला कि मैं लिंक दे दूँगा, पर अभी लिंक नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो फ्रॉड है, वो भी फ्रॉड है, वो पैसा खा है, जो भी कुछ भी तो किया है, तो उसने अभी लिंक नहीं दिया। तो मुझे लगता है कुछ दिन बाद वो वीडियो ज़रूर प्राइवेट कर लेगा या डिलीट कर देगा, क्योंकि वो वीडियो में इतना अच्छे से समझाया कि कैसे फ्रॉड हो रहा है अभी आजकल, कैसे दलाली हो रहा है, वो टावर के बारे में अच्छे से समझाया, फिर एंड में क्या करा, वो फ्रॉड की ही लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक था जियो टावर का, ठीक है। तो जियो टावर का अभी इंस्टॉलेशन नहीं चल रहा है, मुझे पता है, उसने बोला कि अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये तो फ्रॉड है ना, वो भी फ्रॉड हो गया ना। तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका, उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वो 4 मिनट के बाद आप लोग वीडियो देखेगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा। और उसने जो लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में जियो टावर अप्लाई करने के लिए, उस लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पर अभी आप लोगों को मैं उस वेबसाइट को दिखा देना चाहता हूँ, सिर्फ वही वेबसाइट नहीं, उसकी तरह एक और भी वेबसाइट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब सर्च कर रहा था उस वेबसाइट की लिंक में गया था, जब सर्च कर रहा था लिख के, तो मुझे पता चला कि ये एक वेबसाइट नहीं है, दो वेबसाइट भी है,
और भी कितने हैं पता नहीं, पर मुझे दो तो देखने को मिला, तो दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी दोनों का ही, आप लोग एक बार देख लीजिएगा पर अप्लाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं चला जाता हूँ अपने किसी ब्राउज़र में। लो आ गए हो मेरा ब्राउज़र में, अब इधर सर्च करना है जियो टावर, देखिए लिंक आ गया, जो मैं पहले सर्च किया था उस ऋतुराज सिंह की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो था, तो उधर से मैं आया था। तो अगर आप लोग इसको सर्च करते हो तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये देखिए जियो टावर इतने अच्छे से सजाया है साइट को, देखिए बहुत अच्छा। इधर से आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो, इधर मैं अप्लाई भी किया था, तो मैं अगर इधर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इधर मैं मेनू में जाकर अब मैं चेक स्टेटस दिखा देता हूँ, मैं क्योंकि अप्लाई किया था, तो आप लोग देखिए इधर मैं मुझे नंबर देना बोल रहे तो मैं दे देता हूँ, अब देखिए चेक स्टेटस में क्या दिखाता है, ये देखिए एप्लीकेशन नंबर ये है जो मुझे मैसेज करके भी भेजा था ये, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट नंबर, नेम, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, स्टेट है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गलत दे दिया है, और पिन कोड भी सही है, और इधर बोल रहा है रजिस्ट्रेशन और एग्रीमेंट। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन के पैसे दे देते हो, ठीक है, जो मुझे बोला था 14,500 रुपया रहेगा, तो अगर रजिस्ट्रेशन का पैसा दे देते हो तो ये अप्रूव हो जाएगा, फिर आप लोगों को एग्रीमेंट के पैसे खाने की कोशिश करेगा, पर आप लोग जब एग्रीमेंट के पैसे दे दोगे ना तो इधर एग्रीमेंट का पैसा भी दिखाएगा, पर वो आप लोगों का कांटेक्ट में नहीं रहेगा, आप लोग कैसे कांटेक्ट करोगे उसके साथ, क्योंकि उसका कोई पता नहीं, आप लोग कुछ भी जानते नहीं उसके बारे में, क्या है इस तरह की बहुत सारा फ्रॉड कंपनी है, बहुत सारा। मैं आप लोग को और एक बता देता हूँ, देखिए अगर आप लोग सेम इधर लिखोगी जियो सिर्फ स्पेस देकर टावर लिखोगी तो देखिए और एक साइट खुल जाएगी, देखिए सॉरी ये वाला नहीं, यानी ओ आर जी देना पड़ेगा, ओ आर जी, आप देखिए ये वाला देखिए सेम उसी की तरह खुल गया पेज। तो अब मैं इधर स्टेटस में जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, इधर गया होम बटन में, इधर चेक स्टेटस किधर है, इधर नहीं है, इधर स्टेटस, ये देखिए ऊपर चेक स्टेटस, तो इधर जाके मैं अपना नंबर देता हूँ तो क्या बोलता है, देखिए दे दिया चेक, क्या बोल रहा है, प्लीज़ चेक द मोबाइल नंबर, क्योंकि इधर मैं अप्लाई नहीं किया था, तो अगर ये एक कंपनी है जियो कंपनी है तो मैं अप्लाई उधर किया, इधर भी आना चाहिए क्योंकि सेम कंपनी है, पर उधर अप्रूव दिखा रहा है, इधर अप्रूव नहीं दिखा रहा है, ये क्या बात हुआ, दोनों ही फेक है, ठीक है। चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर उसको, ये देखिए इधर स्टेटस दोनों ही फेक है, क्या बढ़िया प्लान किया है, बहुत अच्छा। और भी आगे आप लोगों को क्या क्या दिखा रहा हूँ देखिए, चौंक जाओगे आप लोग देख के ये क्या हो रहा है, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्रॉड है, ऐसे उन लोग बिहेव करते हैं आप लोगों के साथ, मेरे साथ जो किया था, मुझे तो पहले तो मुझे पता भी नहीं चला था, अब आप लोग सोचोगे कि ये सब लोग इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं, तो इन लोगों को लोग कोई कुछ नहीं बोलता, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इनकम टैक्स ऑफिस में जाते हो और इधर रजिस्ट्रेशन करते हो अपनी कंपनी के लिए, फिर आप लोग एक ट्रेड लाइसेंस निकल लेते हो, फिर आप लोगों को कौन क्या बोलेगा, आप लोग जिधर मर्जी आप लोग वेबसाइट खोल सकते हो, अपना कंपनी खोल सकते हो, फिर आप लोगों का थोड़ा पैसा हो गया
क्योंकि फट गया आपका कंपनी, पर पैसा लेके भाग जाओ, वो कंपनी भी गया, डूब गया, सब गया। ऐसे ही होता है, ऐसे भी होगा, कुछ दिन पैसा कमाएगा, ऐसे फ्रॉड करके फिर चला जाएगा, सब बंद करके, ऐसे ही होगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं जब जाके उधर अप्लाई किया टावर के लिए, उस वेबसाइट में गया, उस लिंक की लिंक से, ऋतुराज सिंह के लिंक से वेबसाइट में गया, फिर जब अप्लाई किया टावर के लिए, तो टावर के लिए जब अप्लाई किया, फिर एक दिन बाद मुझे एक मैसेज आया, जिधर आप लोग देखा जियो टावर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जिधर था, तो मैसेज करके मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। ठीक है, मिला रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर मिला, मेरा अप्रूव हो जाएगा टावर, क्योंकि जियो कंपनी से ही तो है मैसेज। तो मैं पहले जाके उस मैसेज को चेक किया, आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, अगर आप लोग जियो 4G वॉइस यूज़ करते हो, मैं जियो राउटर यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं कॉल करने के लिए जियो 4G वॉइस यूज़ करता हूँ, तो उसमें एक फीचर है कि अगर किसी भी कंपनी की तरफ से आपको कोई मैसेज आता है, तो उधर उसका, उस कंपनी का वेबसाइट का लिंक आ जाता है। तो मैं चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, देखिए मैं अपने जियो 4G वॉइस में आ गया हूँ, अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा वाला, ये देखिए एचपी टावर्स। तो इधर आप लोग अगर क्लिक करोगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, देखिए तो इधर देखिए एक वेबसाइट का लिंक आ गया, जियो टावर 4G 3G मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन कंपनी, ठीक है। और इधर देखिए वो जो मुझे रजिस्ट्रेशन जो आईडी मिला था उधर, एप्लीकेशन नंबर, वो इधर भी है सेम। तो अगर आप लोग इधर क्लिक करोगे तो वही वेबसाइट में आप लोगों को लेके चले जाएंगे। तो देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए मैं सेम वेबसाइट में आ गया जिधर मैं अप्लाई किया था। अब इधर आप लोग मुझे बोल रहा है कि इधर स्टेटस चेक कीजिए, जो मैं आप लोगों को पहले दिखा दिया था, तो अभी नहीं और नहीं करूँगी। चलिए फिर ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि ट्रस्टेड है, ये सही है, क्योंकि वही वेबसाइट में मुझे ले चला गया, तो मुझे लगा ट्रस्टेड है। तो फिर मुझे 2-3 घंटे बाद एक कॉल आया, फिर उसने मुझे बोला कि आपने जियो टावर के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने बोला हाँ अप्लाई किया था, तो उसने मुझे जियो टावर के क्राइटेरिया के बारे में बताने लगा। तो तब मैं सोचा कि बाद में भूल जाऊंगा, तो अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो सब करता है, ऐसे ही मैं किया। तो मैं आप लोगों को चलिए उस रिकॉर्डिंग को सुना देता हूँ थोड़ा। जो हमारी कंपनी आपको जमीन का किराया देती है उससे 10,000 रुपया प्रति महीना हमारे कंपनी काट लेती है। क्योंकि हाँ फिर कितना देते हैं? सर आपको जो फर्स्ट टाइम 30 लाख रुपया देती है एग्रीमेंट का, उसे भी कवर करने के लिए 10,000 रुपये हर एक महीने काट लेती है। तो ठीक है, वो तो बात नहीं, फिर तो सर टोटल पैसा एग्रीमेंट का आपको 30 लाख मिलेगी, उसके बाद सर 35 में से 10 कटेगा 25,000 और 15,000 गार्ड की, 40,000 रुपये प्रति महीने मिलेगी। हाँ और सर आपने जो ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी के हमारे कंपनी से अभी एक फॉर्म भेजी जाएगी, उसे आपको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद सर प्रिंट करके उसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, निकालने के बाद जिनके नाम से टावर लगवाना चाहते हैं उनके नाम से आपको फॉर्म को भरना होगा। भरने के बाद उसमें एक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कोई एक प्रूफ और बैंक का पासबुक, जमीन का पेपर, इतना सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके हमारे कंपनी की ईमेल पे भेजना होगा, ठीक है। हाँ मैं बोल रहा था कि जो मैंने जिस नंबर में फॉर्म फिलअप करूंगी, जमीन उसकी नंबर रहना चाहिए क्या? क्या सर? मैं बोल रहा था कि जिसके नाम पे मैं फॉर्म फिलअप करूंगी, ठीक है, जी, उस नाम पे जमीन रहना चाहिए या कोई और? नहीं 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 जमीन का पेपर किसी के नाम से रहेगा चलेगा, लेकिन जिनके नाम से फॉर्म फिलअप करेंगे उनके नाम से मतलब आधार कार्ड चाहिए, उसका कोई प्रूफ चाहिए, और जमीन किसी का भी रहेगा चलेगा। हाँ ठीक है, मैंने उसके नाम के आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। बैंक का पासबुक हाँ नहीं, फर्स्ट मुझे पेज जो होता है ना, सुनिए सुनिए, मुझे मैसेज किया था तो उधर मैं स्टेटस में चेक किया तो उधर बोला मैंने 6 महीने के लिए जो ये होता ना स्टेटमेंट होता है बैंक पासबुक का, वो देना पड़ेगा। जो फर्स्ट पेज होता है ना, फर्स्ट हाँ पेज हाँ उसका फोटो कॉपी, उसका और फोटो ठीक कॉपी, है, ठीक है फिर। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आप हमारी कंपनी की ईमेल पे भेजेंगे, ठीक है। हाँ जब आप हमारी कंपनी की ईमेल पे आज शाम तक भेजेंगे, तो सर शाम को हमारी कंपनी से हेड ऑफिस ट्रांसफर फॉरवर्ड करेगी,
वहाँ पे आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई होगी, और वेरीफाई होने के बाद सर वहाँ पे आपकी पिन कोड होती है, पिन कोड के सैटेलाइट के माध्यम से पिन कोड के द्वारा आपका क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जियो का टावर लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। अगर लगना होगा सर तब आपको कंफर्मेशन का मेल मिलेगा, और जब आपको कंफर्मेशन का मेल मिलेगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको 14,500 रुपये खर्च होंगे। उसके बाद सर रजिस्ट्रेशन आपका जो क्या करवाने में 14,500 रुपये खर्च हो गए? सर, अभी क्या बोला, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए कितना खर्च होगा? रजिस्ट्रेशन आपको जब कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म का मेल आपको जब मिलेगा हाँ तब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 14,500 रुपये आपको खर्च होगी रजिस्ट्रेशन फीस। हाँ और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सर आपको रसीद मिलती है, वो हमारे कंपनी की मेल पे आपको रसीद भेजना होगा, ठीक है। हाँ जब आप हमारे कंपनी की मेल पे रसीद भेजेंगे तब आपका एग्रीमेंट का जो पैसा होता है सर, अगर 15 साल का करवाते हैं तो 15 लाख, 30 साल का तो 30 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। ट्रांसफर होने के बाद सर हमारे कंपनी से अगले दिन एक इंजीनियर, एक जनरल मैनेजर जाएंगे जो कि आपके जमीन पे वो नक्शा निकालेंगे। उसके बाद सर हमारे कंपनी से अगले दिन सारे वर्कर जाएंगे, जो कामगार होते हैं सर, सारा सामान लेकर आपकी काम शुरू हो जाएगी, और लगभग सर 30 से 40 दिनों में आपकी टावर खड़ी हो जाएगी। और अगले महीने से आपकी सैलरी जो 40,000 होती है प्रत्येक महीने आपके अकाउंट पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था कॉल रिकॉर्डिंग। अगर इन लोगों के साथ आप लोग बात भी करोगे ना तो पता भी नहीं चलेगा, मुझे भी पता नहीं चला था। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चला था। तो उसने बोला कि मुझे एक मेल आएगा और उधर एक फॉर्म मिलेगा, तो चलिए उस मेल को ही देख लेते हो और फॉर्म को ही देख लेते हो। लो ये आ गया हूँ जी मेल पे, और अब इधर लो ये वाला एक क्वेश्चन मार्क वाला। तो मैं पहले क्वेश्चन मार्क देखा तो देख के मुझे दिमाग में कुछ फील हुआ कि क्वेश्चन मार्क कैसा मेल है, और भी मेल है इधर, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इधर क्वेश्चन मार्क है। तो इधर मैं क्लिक किया, फिर अंदर गया। तो जब अंदर गया तो मुझे इधर बोल रहा है क्या काम हमको भेजना पड़ेगा, वोटर आईडी, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, लैंड पेपर, रेजिडेंटल प्रूफ, सब कुछ भेजना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, भेजना पड़ेगा, ठीक है। इधर इधर भी बोल रहा है नोट, रजिस्ट्रेशन चार्ज 14,500 रुपया लगेगा, ठीक है। और एक फॉर्म भी भेजा है इधर, जो बोला था इधर कि एक फॉर्म भेजेगा। तो चलो फॉर्म देख लेते हैं क्या था। ये देखिए फॉर्म, बंदों ने तो इसकी वाट लगा दी, इसके ऊपर बहुत खटा है। देखिए बहुत अच्छे से डिजाइन किया है इसको, अच्छा है। कोई भी आदमी अगर पहली बार देखेगा ना इसको, पता भी नहीं चलेगा उसको कि ये फेक है। बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, ठीक है, जो भी है ठीक है। मैंने देखा फिर इसको फील भी किया, आप लोग देख लीजिए कैसा है, जैसा होना चाहिए एक फॉर्म वैसा ही है। तो इसको देखने के बाद मुझे लगा ये ट्रस्टेड है, तो मैं अभी जाके फॉर्म को फिलअप किया, फिर डॉक्यूमेंट्स को उसको मेल कर दिया। पर मैं इधर एक चीज़ गलत सेंड किया, जो मेरा लैंड का पेपर है वो मैं गलत दे दिया था उसको मेल करके, वो मैं प्रूफ के लिए कि मुझे देखना था कि उसको पता चलता है कि नहीं चलता है। तो इसलिए मैं उस उन लोगों को गलत लैंड पेपर सेंड किया, वो बहुत सारा सेंड किया गलत गलत, फिर उसको पता ही नहीं चला, ठीक है। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। लो मैं आ गया हूँ अपना जीमेल पे, और इधर मैं सेंड किया था इधर ये वाला, ठीक है, माय डॉक्यूमेंट्स। तो इधर ही ओपन करता हूँ मैं, देख लीजिए। देखिए माय डॉक्यूमेंट्स, दिस इज माय डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ चेक दिस। तो इधर मैं बहुत सारा सीन किया, बहुत सारा सीन किया है लैंड का पेपर। मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ, देखिए बहुत सारा, ये किसके नाम की है पता नहीं, ये बहुत सारा। और एक दिखा देता हूँ,
देखिए ये बहुत सारा है, मुझे पता भी नहीं है क्या है ये। बंगाली भाषा में है, अगर आप लोग गूगल में जाओगे और उधर कोई लैंड पेपर सर्च करोगे बंगाली या हिंदी, तो उधर बहुत सारा मिल जाएगी। लैंड पेपर बंगाली हिंदी सर्च करने में बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा। तो मैं वही किया, उधर से सेव करके इधर सेंड कर दिया। मेल सेंड करने की 1-1.5 घंटे बाद उसने मुझे कॉल किया और मुझे पूछा कि आपने मेल सेंड कर दिया, तो मैंने बोला हाँ सेंड कर दिया। फिर उसने बोला ठीक है और फोन रख दिया। फिर नेक्स्ट डे उसने मुझे फिर से कॉल किया और मुझे पूछा आपने आपने मेल चेक किया है, तो मैंने बोला नहीं तो मैं मेल चेक नहीं किया हूँ। तो उसने बोला आप मेल चेक कर लीजिए, अगर कोई कॉन्फर्मेशन मेल आता है तो मुझे कॉल कीजिए। फिर उसने फ़ोन रख दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी देख लेते हैं उस मेल को। तो मैंने अपना जीमेल पे आया और इधर एक मेल देखा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन सा मेल है। तो ये वाला कॉन्फर्मेशन मेल, ठीक है, तो इसको किया ओपन। फिर मुझे ये देखने को मिला, इन्फॉर्मेशन फॉर द टावर इंस्टॉलेशन सिलेक्टेड, तो आप सिलेक्टेड हो गए हो। ठीक है, तो इसने बोला कि सिलेक्ट हो गई हो। इधर देखिए, इधर एक अकाउंट होल्डर नेम दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, एफसी कोड दिया है। ठीक है, देखिए मैंने देखा, फिर इसको जाकर कॉल किया। जब उसको कॉल किया तो उसने रिसीव करके बोला कि मेल आ गया क्या, तो मैंने बोला हाँ आ गया, अब क्या करना पड़ेगा। तो उसने बोला आप आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरना पड़ेगा जो 14,500 रुपये है। तो मैंने बोला ठीक है भर दूंगी, पर कुछ सवाल था मेरा। तो उसने बोला बोलिए। तो मैंने बोला कि ये बैंक अकाउंट किसका है, तो उसने बोला बैंक अकाउंट है मैनेजर का, कंपनी का मैनेजर का। तो मैंने बोला जियो टावर कंपनी का मैनेजर का, तो बोला हाँ जियो टावर कंपनी का मैनेजर का। तो मैं बोला मैं कंपनी की मैनेजर को क्यों पैसा भेजूँ डिस्टेंस करने के लिए, वो मैं कंपनी के भेजूँगी। तो उसने वैसे नहीं होता है, कंपनी के मैनेजर को ही सेंड करना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसको मैंने बोला कि ये जो कुंदन शाह है मैनेजर, वो किधर का रहने वाला है। तो उसने बोला मुंबई का, और मैंने पूछा आप किधर का रहने वाला हो, तो उसने भी बोला कि मैं भी मुंबई का हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसको मैंने पूछा कि आप लोगों की जब मेल आता है तो उधर क्वेश्चन मार्क क्यों रहता है, कोई लोगों की वजह क्वेश्चन मार्क रहता है। तो उसने बोला पता नहीं हम लोगों को, पर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होगा। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है। फिर मैं मेन बात पूछा कि आप लोगों को मेरी ज़मीन के बारे में कैसे पता चला कि मैं इधर टावर लगाऊंगी, ये मेरा लोकेशन है, कैसे आप लोग ट्रैक किया। तो उसने बोला कि हम लोग आपका पिन कोड की मदद से ट्रैक करते हैं, पिन कोड की मदद से। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, पिन कोड की मदद से ट्रैक किया, ठीक है। तो पिन कोड की मदद से आप लोगों को पता चलेगा मेरी एरिया में कितने टावर है, पर मेरी ज़मीन के बारे में तो पता नहीं चलेगा। तो उसने बोला हमको इतना पता नहीं, हेड ऑफिस में हेड मंच में जाता है, उधर से इंफॉर्मेशन आता है हम लोग की, जो वो हम लोग आपको बताता है। बोला ठीक है। फिर उसने मुझे बोला कि कब तक अपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस भर दोगी, तो मैंने बोला मैं भर दूंगी, ठीक भर दूंगी। तो उसने बोला शाम तक भर देते हो तो अच्छे हैं। तो मैंने बोला ठीक है भर दूंगी। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और ये सब हुआ कल दोपहर को, और कल दोपहर से आज तक मुझे 10 कॉल आ चुकी है, भी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता चल गया कि फ्रॉड है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मुझे पता चला कि ये फ्रॉड है और पैसे खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो पहले मुझे जिस बात पर डाउट हुआ कि किसी भी कंपनी की वर्कर आपको दिन में 5-6 बार कॉल करता है, और कॉल करने के बाद ये पूछता है कि फॉर्म फिलअप हुआ, फॉर्म को प्रिंट आउट किया या नहीं किया, प्रिंट आउट किया तो फॉर्म को फिलअप किया या नहीं किया, उसको स्कैन किया कि नहीं किया। मेरे ही काम के लिए उन लोगों ने इतने ज़्यादा मेरे ऊपर टाइम दे रहा है, तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, उधर जो मेल आया था उसकी क्वेश्चन मार्क, तो उसके बारे में जब मैं रिसर्च किया, जानने की कोशिश किया, तो मुझे पता चला कि वो जो मेल आया है वो मेल की एड्रेस हाइड है। अगर आप लोग एड्रेस जानना चाहते हो, उसकी ट्रैक करना चाहते हो, तो वो पता नहीं चलेगा आप लोगों को क्योंकि वो उसके सब हाइड है।
तो ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट था ज़मीन की लोकेशन के बारे में। मैं जब उसको पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चलता है कि इधर मैं टावर लगाऊंगी, तो उसने बोला कि पिन कोड की मदद से, ये भेजे में नहीं घुसा। और उसने मुझे एक अकाउंट नंबर दिया था, एक नाम, एक आईएफएससी कोड था उधर। तो मैं जब उस अकाउंट को चेक किया, चलिए मैं देखा देता हूँ क्या, तो मैं मेल के अंदर आ गया और इधर से उस आईएफएससी कोड को कॉपी कर लिया। इधर देखिए अकाउंट नंबर, इधर कुंदन शाह, नहीं, कुंदन राह, और इधर आईएफएससी कोड। तो इसको कॉपी किया, फिर मैं चला गया ब्राउज़र में सर्च करने के लिए। तो इधर जब उसको पेस्ट किया, और उसको जब सर्च किया तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए उधर उसको पूछा कि आप किधर का रहने वाला, तो उसने बोला मुंबई का, पर इधर देखिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली गेट, अलीपुर, नहीं, अलीगढ़। देखिए अच्छे से देखिए कितना बड़ा फ्रॉड है। तो मैं आप लोगों के लिए जितना कर सकता हूँ किया, जितना आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ दिया, पर एक बात है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया ठीक है, पर मेरा तो उतना बड़ा चैनल नहीं है ना कि आप लोगों की सबके पास जाए इन्फॉर्मेशन कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। ये तो ट्रेंडिंग में है, इस तरह के फ्रॉड ट्रेंडिंग में है आजकल। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करते हो ठीक है, लाइक भी नहीं करते इस वीडियो को ठीक है, पर ज़रूर शेयर करो, क्योंकि हर एक बंदे को जान लेना चाहिए क्योंकि बहुत हो रहा है ये फ्रॉड। तो मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप लोग जितने भी शेयर कर सकते हो करो, कि इस तरह की फ्रॉड हो रही है, जितने भी आप लोग जाना सकते हो अपनी रिलेटिव को, फ्रेंड को जनाओ ठीक है, और इस वीडियो को भी शेयर करो, उसको भी देखने को मौका दो क्या हो रहा है, क्या क्या हुआ, मैं स्कैम के हाथ से कैसे बचा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।